हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौविक में। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और ESIC कंपनी के तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, स्टेनोग्राफर के रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म इसका भरना होगा। तो इसको डिटेल्स में आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो दोस्तों, ESIC स्टेनोग्राफर और अपर डिवीजन क्लर्क के रिक्रूटमेंट जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, एप्लीकेशन शुरू हो गया है 16 मार्च 2019 से और इसका लास्ट डेट दिया गया है 15 अप्रैल 2019, जिसके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको भरना पड़ेगा। जो लोग इस जनरल एंड ओबीसी हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। जो लोग SC ST फिजिकली हैंडीकैप एंड फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि 18 ईयर्स जो कि मिनिमम एज है एंड 27 ईयर्स मैक्सिमम एज। तो जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते उन लोगों के एज इसके अंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे जो दो पोस्ट निकला हुआ है, स्टेनोग्राफर एंड अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 10+2 या 12 पास होना चाहिए। इसके साथ साथ 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आना चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं स्टेनोग्राफर के लिए। उसके बाद दोस्तों, जो लोग बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए मैं नीचे दिया लिंक को आप लोग क्लिक करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। नीचे दिया जो लिंक है वो ऑफिशियली लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको डेट दिया, ओपन हो चुका है लिंक, आप लोग अभी जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में यहाँ पे निकला हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, ये सारी जो स्टेट है इंडिया की, हर एक स्टेट में यहाँ पे निकला हुआ है इस जॉब को। तो दोस्तों, जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं अभी जाके एप्लीकेशन कर दीजिए। अगर एप्लीकेशन करने के बाद कोई भी दिक्कत आती है या कन्फ्यूजन रहते हैं आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।